इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं ने रविवार को जंतर मंतर और 10 जनपद के सामने दिल्ली में बिजली की बढ़ी दरों के विरोध में प्रदर्शन किया। आंदोलन के मद्देनजर प्रधानमंत्री आवास के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी गई थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में बिजली और डीजल की बढ़ी हुई दरों ने आम लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उनके निशाने पर एक बार फिर रही कांग्रेस सरकार। इस बार यहां अन्ना तो नहीं थे, लेकिन अन्ना की छाप जरूर नजर आई। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण, गोपाल राय और कुमार विश्वास के साथ सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली सरकार पर निजी बिजली कंपनियों से मिलीभगत का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि महंगाई के इस दौर में दिल्ली सरकार ने राजधानी में बिजली दर बढ़ाकर आम जनता के साथ अन्याय किया है। कि हम रिफॉर्म करने वाले हैं, हम सुधार करने वाले हैं, उसके बाद उन्होंने डीजल के दाम बढ़ा दिए 5 रुपए लीटर। फिर उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस सिलेंडर 6 ही मिलेंगे। उसके बाद शीला दीक्षित जी ने बिजली के दाम बढ़ा दिए। तो मेरे को लगता है ये रिफॉर्म नहीं है, इस देश की जनता को डिफॉर्म कर रहे हैं। सारी की सारी देश की जनता लुली लंगड़ी हो जाएगी। टीम केजरीवाल के सदस्यों के मुताबिक दिल्ली में बिजली दर की आड़ में भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली देश का दिल है और इस पर किसी की नजर नहीं है। 15 साल से एक सरकार लगातार लूट रही है और ऐसा हिम्मत, ऐसा जोश, ऐसा जज्बा शायद ही किसी संगठन के नेताओं के पास हो जो अपनी जनता के बीच में जाकर बैठ सके। जंतर मंतर के साथ इंडिया गैस करप्शन के कार्यकर्ताओं ने 10 जनपद के सामने बिजली की कीमतों को बढ़ाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। अब तक राष्ट्रीय मुद्दे उठाते रहे अरविंद केजरीवाल ने इस बार मुद्दा बिजली का उठाया है और अपना रणक्षेत्र दिल्ली तक सीमित रखा है। मामला साफ है, 2013 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव पर अरविंद केजरीवाल खासतौर से फोकस बनाए हुए हैं। इस समय दिल्ली से कैमरामैन रमेश राय के साथ आशुतोष भाटिया।